हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन तो देखिए हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास हमारा राजस्थान चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो सेकंड ग्रेड की करो विदित की करो या वीडियो के मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहां आप लोगों को ये बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि देखिए टीचिंग लाइन से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको वो क्लासेस तो पढ़नी ही पड़ेंगी जिनके आप टीचर बनोगे अध्यापक बनोगे तो इनको तो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो इंपॉर्टेंट है हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है छोटी क्लासेस में ही आप लोगों के चैप्टर जो हैं इतने अच्छे हैं बस थोड़ा सा मैटर है और यही चीज बड़ी क्लासेस में आपको बढ़कर मिलता है तो छोटी क्लासेस समझकर इनको इग्नोर करने की गलती कभी ही ना करें जो भी कंपटीशन लाइन में है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है ध्यान रखें जिनकी आप अध्यापक बनेंगे उन क्लासेस को तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है से टेंथ तक सभी चैप्टर जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए इसी तरीके से तैयारी होती है जो लोग लो वन प्लस मार्क्स रीट में लेकर आए हैं उन्हें सभी को पता है कि उन्होंने धीरे धीरे करके जो है वो पूरी बुक्स जो है इतने अच्छे तरीके से याद कर ली थी रट ली थी कि कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसे कर जाओगे यही चीज जो है वो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए है फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए है कि आप 12th तक की तो सारी बुकें जो है वो आपको आनी ही चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था तो हमने यहां तक पढ़ लिया था तो आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा सारी बातें समझ में आई होंगी कि क्रांति जो है किस वजह से स्टार्ट हुई थी तो राजस्थान में अठारह सो ईस्वी की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी छह सैनिक छावनियां थी तो मैंने आपको बता दिया था नसीराबाद नीमच एरिनपुरा देवली व्यावर और खेरवाड़ा तो इनके जो मुख्यालय कहाँ है नसीराबाद का अजमेर में है नीमच का ग्वालियर में है का पाली में है देवली का टोंक में है व्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर पर इसका मुख्यालय है जिसमें व्यावर और खेरवाड़ा इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था बाकी ये चारों छावनियां जो थी यहाँ क्रांति हुई थी ठीक है तो ये हम पहले पढ़ चुके थे चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके छावनियों के बारे में इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त तो कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था तो सभी यहाँ पर भारतीय सैनिक थे अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था कि यदि यहाँ पर क्रांति होती है तो सभी सैनिक जो हैं एक हो जाएंगे तो इन पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल हो जाएगा 19 मई अठारह ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली तो यहाँ भारत में सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हो जाता है तो इसकी सूचना जो है राजस्थान में जो ए जी जी बैठा हुआ था लॉरेंस तो इसको पता चलता है उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें तो यहाँ पर राजा जो थे उनको कंट्रोल तो इन्होंने पहले से ही किया हुआ था इन्होंने कहा कि राज्य में एक तो शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और जो भी क्रांतिकारी जो है यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर घुसने नहीं देना है और जैसे ही कोई क्रांति जो है वो करता है तो उसे सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें ऐसी सूचना जो है राजाओं को दे दी गई सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद में विद्रोह होता है तो यह डेट याद रखेंगे 28 मई अठारह सौ ईस्वी या नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया सबसे पहले क्या किया कि भारतीय सैनिकों ने जो तोप खाने के सैनिक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया वो भी भारतीय ही थे विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया नसीराबाद में जो छावनी थी उसे लूट लिया मेजर स्फोर्टिस वुड और न्यूबरी इनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया ठीक है तो यहां सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया तो ये भी ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट देखिए नीमच में विद्रोह तो 28 मई अठारह नसीराबाद में विद्रोह होता है उसके बाद नीमच में विद्रोह तीन जून अठारह जून सत्तावन को अगले ही महीने में और तीन चार दिन के बाद में ही नीमच छावनी को सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह किया और जो भी शस्त्र वगैरह जहां रखे जाते थे वहां पर आग लगा दी तो यहाँ पर देखिए एक तो तीन जून अठारह को विद्रोह होता है और यहाँ किसके नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया तो यहां पर भी जैसे ही पता लगता है भारतीय सैनिकों को तो वह भी संघर्ष करना स्टार्ट कर देते हैं विद्रोही सैनिक चित्तौड़ हमीरगढ़ बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को जो बंगले थे उनको लूटते हुए कहा पहुंचे शाहपुरा पहुंचे तो नीमच में जो सैनिक थे वो इन सभी को लूटते हुए यहाँ पर शाहपुरा पहुंच जाते हैं शाहपुरा जो सबसे छोटी रियासत थी तो इसने भी यहाँ क्रांतिकारियों की मदद ही की थी शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की तो खाना वगैरह की आपूर्ति जो है शाहपुरा के जागीरदार ने की नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा तो यहाँ सावर्स को पता लगता है जैसे ही कि नीमच में क्रांति जो है वह हो रही है तो मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने के लिए भेजता है ठीक है भेजा जाता है कि क्रांतिकारियों को वहां से निकाले सावर्स ने कोटा बूंदी तथा मेवाड़ की सेना की सहायता से तो ये सभी सेनाएं जो है सावर्स ने मेवाड़ से बुला ली और इनकी सहायता से नीमच पर दोबारा से अधिकार कर लिया एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया जोधपुर लीजियन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया वे क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार दिल्ली चलो मारो फिरंगी इसका नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया ठीक है ध्यान दें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइने हैं इसमें कि एक तो यहाँ पर विद्रोह 21 अगस्त अठारह को हो गया और यहाँ मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया गया और ये जो क्रांति के नेता थे इन्होंने आदेश दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी ठीक है ये शब्द जो है हु ऐसे ही ध्यान में रखें इसका नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चले और यहाँ पर साथ दिया ठाकुर कुशाल सिंह ने आओवा में विद्रोह आओवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया तो यहां पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने ठीक है यहाँ सैनिकों को लेकर आ गए थे आओवा में आववा, आसोप आल गुलर रूड़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर अठारह ईस्वी को बिठोड़ा कहाँ है पाली जिले में तो यहाँ पर इन्होंने कैप्टन हीतकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह इनकी जो संयुक्त सेना थी इसको हराया ठीक है ध्यान में रखेंगे महाराज का तो खुद ही सोचिए शाहपुरा जो एक छोटी सी रियासत थी उसने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था लेकिन जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह थे इन्होंने किसका साथ दिया अंग्रेजों का 18 सितंबर अठारह सो ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के जो पीए था मोक मैसन ठीक है मोक मोशन लिखा होगा या मैसन लिखा होगा तो इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ध्यान में रखें मैसन इनके बीच में युद्ध होता है चैलावासा का युद्ध ठीक है जो कि 8 सितंबर के बाद होता है 18 सितंबर ठीक है 10 दिन बाद युद्ध होता है और इस युद्ध में सैनिकों द्वारा मेघमेसन का सर काटकर आउवा किले के, के दरवाजे पर लटका दिया जाता है ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी अठारह ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया तो यहाँ पर होम्स के नेतृत्व में सेना आती है और दोबारा से यहाँ पर अठारह ईस्वी को आउवा पर आक्रमण करके और किले पर अधिकार कर लेती है आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं तो इसी तरीके से चैप्टर जो है वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है जो कि मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले उन बुक्स को पढ़िए जिनके आप अध्यापक बनोगे ठीक है ध्यान में रखें ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांको एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो ठीक है तो लोकगीत जो है ये उस वक्त जो है गाया गया था कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो एजेंट को मारकर यानी कि मेघमोसन को मारकर दरवाजे पर टाकियो तो ऐसा सैनिकों ने किया था नेक्स्ट देखिए कोटा में विद्रोह तो कोटा तो एक छावनी तो नहीं थी लेकिन यहां पर यहाँ की जो जनता थी उनके द्वारा यहाँ विद्रोह किया गया कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर अठारह को लाला जय दयाल और मेहराव अली खां के द्वारा की गई राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई ठीक है यहाँ पर बहुत ही तरीके से नियंत्रित रूप से क्रांति कहां हुई कोटा में विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन तो कोटा में कौन था कैप्टन बर्टन इसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया अब देखिए यहां पर जो महाराजा थे वो कौन थे राम सिंह सेकंड ठीक है और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था तो क्रांतिकारियों ने यहां कोटा दुर्ग में इनको कैद कर लिया था उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का संख हो रहा था जैसे बनेड़ा कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे ठीक है तो इस तरीके से अठारह की क्रांति जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ती चली जाती है और सभी जब एकजुट हो जाते हैं तो सभी के अंदर साहस भी हो जाता है तब उनको यही लगता है कि हमें तो इनसे अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना ठीक है थीके? तो उसके लिए सभी जो है एकजुट हो गए थे उसके बाद देखिए क्रांति का समापन तो देखिए क्रांति तो होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है और सफलता मिलती भी। लेकिन जून 1858 भी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो अगर यहाँ के जो शासक थे वो भी सभी मिलकर एकजुट होकर क्रांतिकारियों का साथ देते तो अंग्रेज दोबारा से यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाते तो यहाँ पर क्या किया गया अंग्रेजों ने तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जय दयाल और मेहराव अली खान इनको फांसी पर चढ़ा दिया तो क्रांति तो समाप्त हो ही गई जो मुख्य जो यहाँ पर नेतृत्व करता थे और बहुत मजबूती के साथ जो यहाँ पर क्रांति कर रहे थे उनको ही फांसी पर चढ़ा दिया गया अठारह सो ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे क्यों रहा असफल यह क्रांति तो देखिए अठारह ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो कारण हमने सबसे पहले जाना उसके बाद ये भी जानेंगे कि इतने मजबूत जो कारण थे फिर भी ये क्रांति जो है असफल क्यों रही तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया तो सबसे मेन कारण तो यही रहा राजा महाराजाओं ने सहयोग किया डर की वजह से अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया यहीं पर इनको जो है सामने आना चाहिए था क्रांति के समय से पूर्व प्रारंभ हो गई क्रांति जो थी जो डेट फिक्स की गई थी उससे पहले ही शुरुआत हो गई तो इस वजह से भी यह असफल हो गई सिस्टम ही सारा बिगड़ गया क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई पूरे राजस्थान में ना होकर यह कुछ सीमित स्थानों पर हुई कोटा नसीराबाद भरतपुर धौलपुर टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था ठीक है भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि यहां पर कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव रहा है। है कुछ ही लोग जो है सामने निकलकर आए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह तो वो एक मजबूत जो है पर्सन थे दूसरा हमने देखा तात्या टोबे हैं जय दयाल मेहराव खां हैं तो इस तरीके के लोग यदि बहुत सारे होते और नेतृत्व जो है जगह जगह पर करते तो ये क्रांति जो है जरूर सफल रहती राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था इनके पास साधनों का भी अभाव था मारवाड़ मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया था ठीक है इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ध्यान दें इसको कि मारवाड़ मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया था तो इस वजह से भी असफल रही थी क्रांति के क्या परिणाम निकले तो राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया यही नहीं पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी शुरू कर दी ठीक है तो क्रांति के परिणाम क्या हो गए राजस्थान के शासक जो थे इन्होंने क्रांति के प्रभाव को रोकने के पर्याप्त प्रयास दिए जबकि इनको तो उनका साथ देना चाहिए था क्रांतिकारियों का और ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ पर राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा भी देनी प्रारंभ कर दी उनको पुरस्कार दिए उपाधियां दी तो इससे राजाओं को बहुत अच्छा लगा ठीक है ये भी एक परिणाम रहा सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई तो हमने बहुत शुरुआत में ये चीजें पढ़ी थी कि सामंत वर्ग जो था जो राजाओं के संपर्क में रहता था अंग्रेजों के आने से इनका सारा काम जो है समाप्त हो गया था तो इसीलिए ये रुष्ट थे और अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना चाहते थे तो अंग्रेजों के सामने यही सबसे बड़ी समस्या थी सामंत वर्ग का यहाँ पर क्रांति जो है करना तो जैसे ही क्रांति समाप्त होती है सबसे पहले अंग्रेजों के सामने कौन आता है सामंत वर्ग तो इनकी शक्ति को समाप्त करने की नीति जो है अपनाई जाती है उसके बाद देखिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके तो यहाँ पर भी फायदा तो अंग्रेजों ने ही उठाया था अंग्रेजी शिक्षा देने का उनका एक ही कारण था कि यहाँ पर जो भी वो नौकरशाही नौकर जो रखेंगे वो भी इंग्लिश बोलते हो इंग्लिश जो है जानते हो ठीक है तो जिससे कि ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जा सके अंग्रेजों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया तो कहते हैं कि अंग्रेज जो आए हैं उसी वजह से जो यातायात के साधन हैं ये भी इनका भी विकास हुआ था लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो थे उनको अपना ही फायदा दिख रहा था इसी वजह से उन्होंने ये सारे कार्य किए थे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार करना व उसके पीछे जो है कारण यही था अंग्रेजों का अठारह सो ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी जो उन्नीस ईस्वी में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई तो देखिए यहाँ पर क्रांति स्टार्ट होती है अठारह में फिर भी धीरे धीरे लोगों में ये आग जो है वो बनी हुई थी कैसे उनको जो है कहीं से भी सहायता प्राप्त हो सके और अंग्रेज जो है उनको बाहर निकाला जा सके तो धीरे धीरे जो है ये कदम जो है उन्नीस तक गया तो इसी वजह से देखिए कितने सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी जब हमें आजादी प्राप्त हुई थी तो चलिए चैप्टर जो है कंप्लीट होता है महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो देखें बहुत जरूरी है हिंदी में आप लोगों को ये चीजें जो है वो आनी ही चाहिए विद्रोह जो है इसका अर्थ है बगावत करना दमन यानी कि दबा देना बलपूर्वक शांत करना दो शब्द होते हैं दमन और शमन तो साइकोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हैं तो दमन का अर्थ होता है कि बलपूर्वक जानबूझकर उसको शांत करना नेक्स्ट देखिए छावनी छावनी का अर्थ है सैनिकों का डेरा एजीजी गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि है वह क्या है एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल तो चलिए चैप्टर हुआ पूरा तो अब क्या करने वाले हैं लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिए थे लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सभी आंसर नहीं देते हैं तो इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है आप लोग यहाँ पर यदि पार्टिसिपेट करते हो चाहे वो चैप्टर पढ़ने में हो चाहे वो क्वेश्चन आंसर करने में हो या फिर मेरे द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर देने में हो सब तरीके से आप लोगों को ही प्रॉफिट है क्योंकि मैं ये चीज बोलती हूँ हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश करें हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तब आपको याद आएगा कि मैम ने क्वेश्चन पूछा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और उसका आंसर भी हमने सोचा नहीं ठीक है हम सोच लेते तो हमारा एक जो है आंसर सही हो जाता एक एक नंबर के लिए बच्चे जो है रह जाते हैं ये चीज आप जानते हो सभी कंपटिशन की तैयारी करने वाले हो राजस्थान में अठारह ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था तो कहां हुआ था फटाफट से इसका आंसर सोचिए तो क्या रहेगा इसका आंसर आंसर था इसका नसीराबाद ठीक है अट्ठाईस में अठारह को यहां से स्टार्ट होता है राजस्थान में अठारह की क्रांति ठाकुर कुशाल सिंह ने अठारह सो ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहा किया व्यावर आउवा भरतपुर या नीमच तो बिल्कुल इसका सही आंसर है आउवा तो चलिए अब इसका आंसर आप सोचें राजस्थान में अठारह ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ डैश को हुआ तो वही क्वेश्चन है की क्रांति का शुभारंभ जो है वो कहां से हुआ कौन सी डेट को हुआ ये पूछा गया है। तो 28 मई अठारह तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है सबसे पहले तो जानिए खेरवाड़ा कहाँ है उदयपुर साइड में है मेवाड़ साइड में है तो यहां पर कौन सी रेजिमेंट थी यहां पर भील रेजिमेंट थी ठीक है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न राजस्थान में अठारह ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियां स्थित थी तो नसीराबाद नीमच एरिनपुरा देवली और व्यावर खेरवाड़ा ठीक है ये याद रखेंगे छह सैनिक छावनियां थी कोटा में अठारह ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो याद करिए जिनको फांसी जो है वो दे दी गई थी और फिर क्रांति जो है उसका समापन हो गया था तो यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पर दो लोगों ने जो जय दयाल और मेहराव अली खान इनके द्वारा जो है यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है ठीक है उसके बाद इनके आंसर जो है वह भी आप सोचें कि राजस्थान में अठारह ईस्वी की क्रांति के क्या क्या कारण रहे कारण भी हमने देखे परिणाम भी हमने देखे और असफलता के क्या कारण रहे वो भी हमने देखा था ठीक है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का अठारह ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए तो क्या रहा था योगदान किस तरीके से जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो सबसे पहले सैनिकों को लेकर आउवा जो है वहां पर आते हैं ठीक है और उसके बाद जो है बिठोड़ा का युद्ध होता है और फिर चैलावासा का युद्ध होता है फिर जो यहाँ का जो पीए था मेघ मेसन उसका सिर काटकर जो है आउवा के लेके के दरवाजे पर लटका दिया जाता है तो इस तरीके से यहाँ का संघर्ष जो है होता है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह का अठारह ईस्वी में तो मैंने आप लोगों को चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ा दिया है और बिल्कुल सिलेबस में आप लोग देखिएगा चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हो सेकंड ग्रेड की कर रहे हो रीड की कर रही हो ठीक है या फिर आप जो है वीडियो की तैयारी कर रहे हो हर जगह जो है वो आपको राजस्थान का जीके पढ़ना ही पड़ेगा अठारह का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ राजस्थान में वो आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये चैप्टर जो है वो आपके छोटी क्लासेस के हैं थोड़ा सा कम मैटर है जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे मैटर थोड़ा बढ़ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि इन क्लासेस को आप इग्नोर करेंगे जिसने इन क्लासेस को इग्नोर कर दिया तो समझिए वो कंपटीशन लाइन में नहीं है ठीक है तो ध्यान रखें इन सभी बातों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड के साथ थैंक यू